हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस। स्टूडेंट, मैं कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मैं पेपर देने गई थी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, तो वो उस पेपर का मैं एनालिसिस करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टूडेंट, ये जो पेपर था, ये पेपर जो है 40-80 रेशियो में था। मींस 40 क्वेश्चन जो थे वो जीएस से थे। जीएस मींस जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पोर्शन कवर किया गया था वो मैं आज आप लोगों को बता दूंगी, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के 80 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से थे उन क्वेश्चन के बारे में बता दूंगी या फिर सॉल्व करा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इजी हो जानने के लिए। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, और सेकंड अटैम्प्ट देंगे तब भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा जीएस का क्वेश्चन है, तो जीएस में जो है सारी चीज़ें आ जाती। करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और बायो एट्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्क फीवर डिजीज़ इन काउज एंड बफेलो इज़ कॉज ड्यू टू। काउज जो गाय और भैंस होते हैं, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, गायों और भैंसों में दूध ज्वार रोग होने का कारण क्या है। ये जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए इधर से पढ़ना ज़्यादा इजी होगा, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इजी होगा। तो जो है मिल्क फीवर जो है वो कैल्शियम की डिफिशेंसी से होता है काउज एंड बफेलो में। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर के होंगे उनको ईजिली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या वेटनरी साइंस बोल दीजिए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड है, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन इंडिया। इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसका आंसर जो टिक कर दी हूँ मैं पहले से ही सबका, ये तारापुर में इस्टेब्लिश हुआ था। तारापुर महाराष्ट्र के पास पड़ता है, और ये 11 अक्टूबर 1960 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस अब थर्ड क्वेश्चन, ये मैथ से रिलेटेड था, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर 109.9% था। स्टूडेंट, मैं मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके आप लोगों को नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप लोग जो है बीच में ही ड्रॉप करके चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्वायरमेंटल रिसर्च सॉरी हेडक्वार्टर कहाँ है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि वो नागपुर में सिचुएटेड है। और इसका जो है पेरेंटल इंस्टीट्यूट जो है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहते हैं NEERI, जो कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए होता है, और पेरेंटल बॉडी साथ में लग जाती है CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिनी कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन एन इकोनॉमिक्स। इसका आंसर सी होगा, इनकम इनइक्वालिटी। सिक्स क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश मीट्स द बॉर्डर विद द उत्तराखंड हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तराखंड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है बॉर्डर टच करता है, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा सहारनपुर। में पहले ही सब सारे आंसर्स वगैरह सॉल्व कर दी हूँ स्टूडेंट, और क्योंकि आपके सामने पूरा सॉल्व करने बैठो तो फिर आप लोग वीडियो ड्रॉप करके चले जाते हैं इसलिए। और स्टूडेंट, मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आमतौर पे सब लोग जो है, मैं भी जो है कोस्टल बाउंड्रीज़ हो गया या फिर जो है मैरीन बाउंड्रीज़ जो हो गया, जो कि
इंडिया से टच करके लगता है किस कंट्री के साथ एट्सेट्रा, ये सब जो है बाउंड्रीज वगैरह मोस्टली सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन कभी भी जो है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज वगैरह या फिर स्टेट बाउंड्रीज वगैरह लोग स्किप कर देते हैं। पर आप लोग इस पेपर को देख के जान सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस कंट्री बाउंड्री ना पूछ करके स्टेट बाउंड्रीज पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी आप लोग फोकस करिएगा जब आप लोग UPPSC UP SSSC के एग्ज़ाम वगैरह में बैठ रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो सारी चीज़ें कवर करना ज़रूरी होता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज़ गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो वेरिएंट आया था, तो फिर उसको जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड किंगडम का वेरिएंट है, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या नेम दिया है? तो उसका आंसर होगा, वो होगा अल्फा होगा। और इसी के साथ मैं बता दूं कि बीटा जो है वो साउथ अफ्रीकन ने दिया है और डेल्टा जो है इंडियन ने दिया है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं बता दूं मेरा भी गलत हो गया था, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मैं डेल्टा सुनी थी तो मुझे लगा शायद तक ये होगा, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। बट आफ्टर दैट जब मैं इसको सॉल्व की तो मेरा अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि बीटा जो है वो साउथ अफ्रीकन ने दिया है, डेल्टा इंडिया ने दिया और अल्फा UK ने दिया है, गामा किसी ने नहीं दिया है। अब हम लोग 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। इसका होगा डिजर्टिफिकेशन। 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैव बीन सेलेक्टेड फॉर वुडन टॉयज मेकिंग अंडर द स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में एक जिला एक उत्पादन के नाम से जाना जाता है, उसके अंडर जो है वुडन टॉयज के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है? तो उसका आंसर होगा चित्रकूट। और यहाँ पे मैं बता दूँ और ऑप्शन में जो बनारस है वो वुडन बनारस बनारसी सिल्क साड़ी के लिए सेलेक्ट किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, और बांदा जो है सहाजर स्टोन के लिए, सहारनपुर जो है क्राफ्ट वुडन क्राफ्टिंग स्पेशली इसके लिए सेलेक्ट किया गया। मैं आंसर वगैरह प्रॉपरली लिख दी हूँ, एक बार ऊपर से दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर। चाइना का जो फर्स्ट मार्स रोवर है उसका नाम क्या था? उसका जुरोंग होगा। आफ्टर दैट ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं मैं बता दूं आप लोगों को, ये भी जो है सीरीज हैं सैटेलाइट्स के। 11th क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका आंसर 17 होगा। मैं इसका सॉल्यूशन एक मिनट दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये इसका ये सॉल्यूशन है, मैं सॉल्व कर दी हूँ। बहुत इजी सा रीजनिंग का क्वेश्चन था, अगर आप रीजनिंग वगैरह करते होंगे तो इजीली कर लेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो था स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसमें लिखा हुआ कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, पर बट जो है जब ऑप्शन मैंने चेक किया सारा तो ये बंगाल ही सिर्फ था जो कि करेक्टली मैच था, ये तीनों मैच नहीं कर रहे थे और यहाँ पे सिर्फ एक पूछा गया था जो कि नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो ये स्टूडेंट अगर आप लोग इसका क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, आपको इसका आंसर आ रहा होगा तो मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। 13 है, ड्यूरिंग द ईयर 2021 इंडिया रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। 102.42% एक्सपोर्ट का था। और 4th है, इटली लॉन्च इट्स फर्स्ट फूड मेगा पार्क इन इंडिया इन जून 2021 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका आंसर जो होगा फनीधर गुजरात होगा। 15 है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड इंडियन सोशल रिफॉर्मर इन 1890। हिंदी में ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? तो इसका आंसर KN नटराजन होगा।
इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं। 17 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इज़ द मॉडर्न कोच फैक्ट्री इस्टेब्लिश। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इस्टेब्लिश हुआ है, उसका आंसर रायबरेली है। ये एक रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसके ओनर जो है वो इंडियन रेलवे है। ये फाउंड हुआ था 2012 में और इसका हेड क्वार्टर जो है वो रायबरेली में है। ओके, अब हम लोग 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मैच करने वाला था, तो ये डिस्ट्रिक्ट यूपी के कुछ दिए हुए थे और इसके हेड क्वार्टर दिया था, पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर कानपुर देहात होगा। कानपुर देहात का हेड क्वार्टर जो है वो माती है, माती कानपुर देहात ऐसे लिखा जाता है। 19 वाला क्वेश्चन है, नोवैक एंड स्टेफेनोस जो है द टू प्लेयर्स जो हैं, जो टू प्लेयर्स फेमस प्लेयर्स हैं हु प्लेड इन द फाइनल ऑफ द मैन सिंगल्स एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 आर फ्रॉम विच टू कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर होगा सर्बिया एंड ग्रीस। 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, ये इसका आंसर स्पाइडर होगा। और ऐसा देखें तो कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मॉस्किट हो गया, इन सब में विंग्स पाए जाते हैं। 21 वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो ईजिली कर लिए होंगे। 100 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, हिंदी में ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 100 अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो होगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश, ये 2015 में आया था। उसके अलावा जो GST दिया हुआ था वो 101 अमेंडमेंट है, 2016 में ही आया था। सी ऑप्शन में दिया हुआ था रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस, ये जो है 103 अमेंडमेंट एक्ट में आता है, ये 2019 में आया था। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये 102 अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2018 में आया था। तो आंसर तो इसका स्टूडेंट भी है, लेकिन इसके साथ ये जो तीन ऑप्शन है इससे आप लोगों को तीन अलग क्वेश्चन देखने को मिला और लर्न करने को मिला है। इसके अलावा 22 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वेयर इज़ द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, मऊ इसका आंसर होगा। बहुत इजी सा है, अगर आप एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में बैठे तो जाहिर सी बात है आपको ये आता ही होगा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। 23 है, क्रिकेटर सुरेश रैनाज ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश इन द ईयर 2021 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी बनाई गई है, पब्लिश की गई है 2021 में, तो वो किस नेम से की है, वो उसका ऑप्शन है बिलीव। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेलुलॉइड फाइबर, जिसका आंसर होगा नायलॉन। इसके अलावा जूट जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाइट जूट के प्लांट के बार्क से, और रायन जो है वो सिंथेटिक फाइबर एक तरीके से, और लाइनिन जो है वो बहुत ही फाइन फाइबर है जो कि फ्लैक्स प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं 25 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द सीट रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा इज, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट इसका आंसर 2 होगा। और अब हम लोग 26 देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंजेस इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका आंसर सहारनपुर होगा, सहारनपुर से सबसे ज़्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन होता है। ओके, अब हम लोग 27 क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है मोमेंटम कंजर्वेशन पे वर्क करता है स्टूडेंट। और जैसे मैं आप लोगों को बताई GS में काफ़ी सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स फिज़िक्स सब कुछ, तो ये फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। और इसके अलावा ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से।
और इसमें ये थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन पिलर ऑफ नीति आयोग। पहले तो आप लोग देख लीजिए सेवन पिलर होते क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख दी हूँ। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जॉब क्रिएशन जो है सेवन पिलर ऑफ नीति आयोग में नहीं आता है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सेवन पिलर के नेम। और ये क्वेश्चन मैथ्स का मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से। एंड 32 वाला क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है बेस्ट फीचर फिल्म 66 नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में किसको दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, तो वो है मरक्कार लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। 33 क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल मैक्सिमम एरिया किस स्टेट में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। ये स्टूडेंट अगेन ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था और यहाँ ऑप्शन टिक करना था, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और ये 35 वाला क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। और ये 37 वाला क्वेश्चन बायो से रिलेटेड क्वेश्चन था, लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ द नंबर इन द पैरासाइटिक फूड चेन, जो कि इन्वर्टेड होगा। पिरामिड बायो में जो पिरामिड वाला चैप्टर होता है उस क्वेश्चन से ये पूछा गया है टॉपिक से। इसके अलावा 38 वाला क्वेश्चन था किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर पूछा था। और ये जो क्वेश्चन है 39 वाला क्वेश्चन किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 18001801551, जो कि मुझे नहीं आता था, मैंने लगाई। और इससे पता चला कि एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टोल फ्री नंबर्स वगैरह भी याद करना ज़रूरी होता है। और ये 39 वाला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड था। एंड लास्ट 40 वाला क्वेश्चन जो था जीएस का, वो था कि कौन सा लेक ऐसा है जो कि इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय टू इंडियन स्टेट, जो कि है पुलिकेट। स्टूडेंट मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा मैं बताई जीएस के 40 क्वेश्चन का मैं बता चुकी हूँ आंसर, और इधर जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर कर सकूँ, बिकॉज एक ही वीडियो में कवर करना 80 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो मेरे चैनल पे आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू।